नमस्कार दोस्तों दोस्तों 100 दिन के अंदर एग्री बिजनेस एंड क्वालिटी एक्सपर्ट बनी। दोस्तों इस सीरीज के अंतर्गत आज मैं पेश कर रहा हूं 30वां एपिसोड। इससे पहले 29 एपिसोड मैं अपलोड कर चुका हूं, जिन लोगों ने उनको अभी तक नहीं देखा है उनसे अनुरोध है कि उनको आप वॉच कर सकते हैं। आज 30वां एपिसोड है और आज इस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूं, वो है सेब काटने के बाद ब्राउन क्यों हो जाता है। दोस्तों आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब कभी आप सेब का छिलका उतारते हैं या सेब को काट के प्लेट में रखते हैं तो कुछ समय के बाद ब्राउन हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, उसका टेक्निकल रीजन क्या है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों मेरा नाम अरुण मेहता है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा था कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कि सेब को काटने के बाद सेब में ब्राउनिंग क्यों आ जाती है। दोस्तों जब हम सेब को काटते हैं तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, हवा के अंदर क्या होती है ऑक्सीजन, सेब कटने के तुरंत बाद ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और उसके सेल्स में मौजूद जो ऑक्सीजन है, जो पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज एंजाइम जो कि उसके ग्रीन सेल्स के में होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, उससे रिएक्ट करता है और फ्रूट में पाया जाने वाला फिनोलिक कंपाउंड को तुरंत ऑक्सीडेज कर देता है और अमीनो एसिड और प्रोटीन से रिएक्ट करके उसे ब्राउन बना देता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सेब किस टेक्निकल रीजन की वजह से ब्राउन होता है। अब ये जो लेवल ऑफ पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज है, ये जो एंजाइम है, उसका कंसंट्रेशन सभी वैरायटीज में एक जैसा नहीं होता है। सभी वैरायटीज में ये जो पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज एंजाइम है उसका कंसंट्रेशन अलग अलग होता है और इसी का कारण है कि कुछ वैरायटीज के अंदर ये ब्राउनिंग ज़्यादा होती है और कुछ में ज़्यादा नहीं होती, कम होती है। इसके अलावा इसको जो इफेक्ट करता है वो है फ्रूट की मैच्योरिटी, फ्रूट्स की ग्रोइंग कंडीशन और मैच्योरिटी भी इसको इफेक्ट करता है, उसका भी इस पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो ब्राउनिंग है अलग अलग वैरायटीज़ में कम ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम इस ब्राउन को रोक सकते हैं, हम इस ब्राउनिंग को कैसे रोकें? या दोस्तों इसके कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से आप ये ब्राउनिंग कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्राउनिंग है इसी पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से ही होती है, क्योंकि ऑक्सीजन से मिल्स पे रिएक्ट करके इसको ब्राउन बनाता है। तो इसको कम करने के लिए एक तरीका है कि आप फ्रेश कट एप्पल्स को शुगर सिरप में डुबो दें। अगर आप ताजे कटे हुए सेब को शुगर सिरप में डुबो देते हैं तो उसकी वजह से भी ये जो ब्राउनिंग है वो रिड्यूस हो सकती है। इसके अलावा आप जो कर सकते हैं वो है लेमन लीजिए या पाइनएप्पल जूस लीजिए। लेमन या पाइनएप्पल जूस जिसमें काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें अगर आप डिप करते हैं तो उसकी वजह से भी ये जो ब्राउनिंग है वो काफ़ी कम हो सकती है।
मैंने आपको बताया कि आप शुगर सिरप में डुबो दीजिए या पाइन एप्पल या लेमन जूस में डुबो दीजिए, इससे आप इस ब्राउनिंग की इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। और अगर आपको इस ब्राउनिंग को बिल्कुल ही ख़त्म करना, तो इसके लिए आपको ब्लेंचिंग करनी पड़ेगी। एप्पल को आप 4-5 मिनट के लिए बॉइल वाटर में ब्लेंच कर लीजिए। ऐसा करने से इसकी ब्राउनिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उस फ्रूट की जो टेक्सचर प्रॉपर्टी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। उस फ्रूट को आप, उसमें क्रिस्पीनेस नहीं रहेगी, वो ढीला पड़ जाएगा, ब्राउनिंग ज़रूर कम हो जाएगी। तो ये मैंने कुछ आपको तरीके बताए जिससे आप उस ब्राउनिंग को रोक सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि वो ब्राउनिंग क्यों होती है। कई लोग एप्पल को काटते हैं और थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि एप्पल ब्राउन हो गया, वो कंप्लेंट लॉन्च करते हैं, शिकायत करते हैं कि एप्पल ख़राब है, मुझे ब्राउन एप्पल मिला है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि कटने के बाद एप्पल किस वजह से ब्राउन होता है। वो एप्पल में नुक्स नहीं है, वो सिर्फ ऑक्सीडेशन है जिसकी वजह से ये हुआ है। तो दोस्तों, मैंने आपको आज एक नई जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया होगा और आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। मैं आगे भी इसी तरह आपसे नए नए सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी बताए हुए सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मैं अगला वीडियो आप किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं YouTube में पेश कर रहा हूँ। इसमें जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो आपके सामने रखता हूँ, तो आप इसको देखना मत भूलिए। इसी तरह मैं आपके सामने नए नए वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह देखते रहिए मेरा YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।